नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के तहत सुल्तानपुर पहुंचे मशाल जुलूस का स्वागत किया गया। यहां नेशनल फुटबॉल प्लेयर ने स्टेडियम को पूरा बनवाने की मांग भी रख दी। अमेठी में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मोहनगंज की टीम ने पति पत्नी के बीच चल रहे मामलों को सुलझाया। इस दौरान एक विवाहित जोड़ा दोबारा साथ में रहने के लिए राजी हो गया। अमेठी में जिला क्रीड़ा अधिकारी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रैली को रवाना किया। यहां मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रतापगढ़ में थाना जेठवाड़ा पुलिस ने 7 गाड़ियों का चालान किया। वहीं बागराय थाना पुलिस भी गाड़ियों का चालान करती नजर आई। प्रतापगढ़ में सांसद ग्राम प्रवास कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद संगम लाल गुप्ता 24 मई से 24 जून तक 13 अलग अलग ब्लॉक्स में रुकेंगे और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। रायबरेली में जिला प्रशासन ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया। DPRO ने कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले भर में पानी की समस्या से निपटने की योजना बनाई है। बहराइच में थाना हरदी पुलिस ने खोए हुए बच्चे को बरामद किया। वहीं अपने बच्चों को वापस पाकर परिवार काफी खुश नजर आया। बहराइच में SP ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान SP ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। बहराइच में नगर पंचायत जरोल में समाजवादी पार्टी से जीते चेयरमैन इंतजार अहमद उर्फ मिथुन ने जनसंपर्क साधा। इस दौरान इंतजार अहमद ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। लखीमपुर खीरी में संकटा देवी रोड से गोला जाने वाली रोड पर अवैध टेम्पो और पिकअप पार्किंग जोन का फोटो वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लखीमपुर खीरी में सभागार में हाई ब्लड प्रेशर डे के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 70 लोगों ने प्रतिभाग किया। जालौन में थाना कोतवाली उरई पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोई हुई बच्ची को बरामद किया। परिवार से मिलकर बच्ची काफी खुश नजर आई। जालौन के उरई में एक साथ 200 छात्राएं केरल स्टोरी मूवी देखने पहुंची। इन छात्राओं ने फिल्म को देखने के बाद अपने रिव्यू भी साझा किए। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।